एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलरिटी, सिमिलरिटी का मतलब समरूपता, यानी कि ऑफ, हाँ, सादृश्यता इसको बोलते हैं हिंदी में, सादृश्यता का मतलब होता है सिमिलरिटी, इंग्लिश का ज्यादा अच्छा शब्द है सिमिलरिटी। और सिमिलर रिलेशनशिप, यानी एक जैसा संबंध होना चाहिए नंबर्स के बीच में, लेटर्स के बीच में या वर्ड्स के बीच में, इसी को हम कहते हैं एनालॉजी। जैसे कि 38, 66 और 52, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो देखिए, ध्यान रखना, नंबर एनालॉजी हो सकती है, लेटर एनालॉजी हो सकती है, नंबर्स में आपको रिलेशनशिप स्थापित करना पड़ सकता है, लेटर्स में रिलेशनशिप स्थापित करना पड़ सकता है, और इसके बाद जो टॉपिक आएगा दैट इज ऑड मैन आउट, उसमें भी नंबर लेटर सीरीज का योगदान होगा। तो हो सकता है कि एक नंबर पहले का मल्टीपल हो, या फिर स्क्वायर रूट हो, या फिर क्यूब हो, क्यूब रूट हो, या दो नंबर स्क्वायर हो, यानी कोई भी इन दोनों के बीच में जो रिलेशन हो सकता है। तो ध्यान रखना, जो लेफ्ट हैंड साइड में रिलेशन एस्टेब्लिश्ड है, यानी कि इस पार्ट में, वही हमारा रिलेशनशिप इस पार्ट में होना चाहिए। 38 और 66 में क्या रिलेशन है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 70, 80, 92 और 100। अब आप देखिए, जो रिलेशनशिप इस साइड में है, अगर आप 38 में 28 जोड़ दें तो क्या हो जाता है? 66। और 52 में जरा 28 जोड़ना, कोई आंसर फिट बैठ रहा है? 80। तो आंसर इज दिस, आई होप आई एम क्लियर। तो जो रिलेशनशिप इस साइड में है, वही हमें इस साइड में स्थापित करनी है। आई होप आई एम क्लियर। और देखिए 27, 51, 81, यहां पे क्या आएगा? यस, वन, देखिए नहीं, देखिए है क्या, ये 5 का स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है? 7 का स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है? 2 तो अगला क्या होगा? 11 का स्क्वायर प्लस 2, 5, 7, 9, 11। तो 81 नहीं है, 83 है, सॉरी 83 है, करेक्ट कर लीजिए। तो यहां 11 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 123। गॉट इट? ओके, अगला है 11, 25, 17। बताएं, ऑप्शन 33, 28, 41, 37। ये ऑप्शंस, हाँ 37। देखिए 11 × 2 + 3 क्या हो गया? 25। तो इसका मतलब 17 × 2 + 3, 17 × 2 = 34 और 3, तो आंसर इज 37। आई होप आई एम क्लियर। तो आपने देखा कि जो रिलेशनशिप आपका लेफ्ट हैंड में है, वही राइट हैंड में होना चाहिए। तो एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलरिटी और ऑफ द सेम रिलेशनशिप, एक जैसा संबंध होना चाहिए। अब लेटर सीरीज में भी ऐसा हो सकता है, देखें बी डी ई जी, तो जो पैटर्न आपने एक बार पकड़ लिया वही आपका आंसर हो जाएगा। बताएं,
ऑप्शन ILNP या फिर JMOP या फिर JMOQ या JNOQ। JMOQ यानी कि ये आंसर आप बता रहे हैं। देखिए क्या है, इन सब में दो दो जोड़ दिया गया है, बी में दो जोड़ेंगे डी, डी में जो जोड़ेंगे एफ, ई में जो जोड़ेंगे जी। आ रहा है या नहीं आ रहा? और जी में जो जोड़ेंगे तो आई, तो सब में प्लस टू होता जा रहा है। तो इसका मतलब एच में दो जोड़ो आई जे, अरे जे का मतलब ये ऑप्शन नहीं है। अच्छा के में दो जोड़ो के एल एम, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। वो को छोड़ो, लास्ट को जोड़ो आई, इसका ओ, ओप से बाद पी क्यू आंसर इस इसमें। गॉट इट? और देखिए 8CDF CGJN BEHI का रिलेशनशिप देखिए। DINQ M M तो नहीं, ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नोट कर लीजिए DJNQ। ऑप्शन से थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, DINQ DINR और DHNQ। देखिए ए में हमने दो जोड़ा तो कितना हो गया सी, सी में हमने चार जोड़ा तो कितना हो गया जी, डी में हमने चार जोड़ा तो कितना हो गया जे, और सॉरी छह, और एफ में हमने आठ जोड़ा तो कितना हो गया एन। ऐसा ही है ना? ठीक है, तो प्लस दो प्लस चार, बी में दो जोड़ेंगे तो ए बी सी डी, डी तो सब में है ही। अच्छा ई में जो जोड़ चार जोड़ेंगे तो ई एफ जी एच आई, डी आई का मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, डी आई एन सब में है ही, लास्ट वाला और इसमें आठ जोड़ लेते हैं, दो चार छः आठ जोड़ लो, आई में आठ जोड़ेंगे तो आंसर इज दिस। क्लियर? और देखिए SUWY LPTX और PRTV, यस डियर, दो दो घटते जा रहे हैं। IMQU ओके। देखो भाई एस में से माइनस सात कर देंगे तो बचेगा कितना एल, यू में से माइनस
पांच कर देंगे तो बचेगा कितना पी, डब्ल्यू में से माइनस माइनस तीन कर देंगे तो बचेगा कितना, और वाई में से माइनस एक कर देंगे तो बचेगा कितना एक्स। तो स्थिति ये है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, पी में से आपको कितने माइनस करने हैं, सात। आई तो, आई तो सब में है ही। ओके, पहला आई हो गया। आर में से आप माइनस पांच करेंगे तो बचेगा एम, आई एम, आई एम इसमें है, इसमें है, ये दो आंसर नहीं हो सकते। अच्छा, अब तीसरा और चेक कर लें, टी में, टी में से आप तीन घटाएंगे तो क्या बचेगा, क्यू, तो आई एम क्यू यू आंसर इज दिस वन। गॉट इट। अगला देखिए, तो आपने देखिए जो भी रिलेशनशिप आपने नंबर और लेटर सीरीज में पढ़ी है ना, वही हम यहां पर स्थापित करे जा रहे हैं। केवल आपने देखा कि डिफरेंस सीरीज, और देखिए बी सी डी ई और डी एफ एच एच एफ जी एच आई, यस, आई आई तो है नहीं इसमें। अच्छा, एक ऑप्शन आई के पी एल है, भाई देखो बी में गुणा किया दो का तो क्या आ गया, डी प्लस तीन जोड़ दो सी में, ए बी सी डी ई एफ आ गया, फिर गुणा दो करो डी में, डी चौथे नंबर पे होता है, डी में दो का गुणा करेंगे तो आठ, आठ पे क्या होता है हमारा, आठ पे हमारा एच होता है, और ई में फिर तीन जोड़ दो एफ जी एच, आई होप आई एम क्लियर, इंटू टू प्लस थ्री इंटू टू प्लस थ्री इंटू टू प्लस थ्री और इंटू टू प्लस थ्री, आई होप आई एम क्लियर। एफ में दो का गुणा करेंगे बारह, बारह का मतलब एल, तो एल का मतलब ये दो हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते, दूसरा तीन जोड़ दो जी एच आई जे, जे किस में है, इसमें, आंसर इज दिस वन। आगे समझ में, ठीक है। अगला देखिए, किसके ऑप्शन देखिए, एलईडीपी, इसमें सीधी सी बात है, ये कैटल है, इसको उल्टा लिख दिया है, इसको भी क्या करते हैं, उल्टा लिखते हैं, काहे को ऑप्शन ले रहे हो इसके लिए भाई, एल ए डी ई पी, आई होप क्लियर विद दिस, दिस इज कॉल्ड एनालॉजी। एनालॉजी आपको समझ में आ गई, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा, तो दिस इज कॉल्ड सेम रिलेशनशिप, राइट। अब इसी के साथ एक टॉपिक और एसोसिएटेड है, दैट इज ऑड मैन आउट। ऑड का मतलब क्या है, इट इज अ, ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में आता है। तो ऑड मैन आउट का मतलब है कि कोई चीज जो तुम्हें ऑड लग रही हो, जो विसंगतियां, इसको शायद हिंदी में विसंगतियां बोलते हैं, जैसे अल्फाबेट्स का क्लासिफिकेशन हो सकता है, वर्ड का क्लासिफिकेशन हो सकता है, और नंबर का भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो तीन तरह के वर्गीकरण है। सबसे पहले तो हम अल्फाबेट क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अल्फाबेट क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, लेटर क्लासिफिकेशन,
जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, जैसे कि फाइंड द ऑड वन अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से आपको ऑड वन फाइंड आउट करना है, जेड डब्ल्यू टी क्यू एस पी और एन एल। हाँ बताएं, देखो जेड में से तीन घटा देंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड यानी डब्ल्यू आ जाएगा। टी में से तीन घटा देंगे क्यू आ जाएगा, एस में से तीन घटा देंगे पी आ जाएगा, एन में से दो घटाएंगे तो क्या आएगा एल आएगा। तो विसंगति किसमें है, फोर्थ में, आंसर इज एन एल। आई होप आई एम क्लियर। आपको देखा है, दिखाना है कि ऑड कौन सा है। और देखिए ऑप्शंस दे रखे हैं, सी एफ डी, ये बी दे रखा है, जी जे एच, सी दे रखा है के एन एम, डी दे रखा है जे एम के। हाँ बताएं सर, के एन एम। हाँ कैसे सर, देखिए सी डी फिर ई एफ, प्लस थ्री माइनस टू, प्लस थ्री माइनस टू और के एल एम एन। प्लस थ्री है लेकिन माइनस वन है, एन के बाद क्या आ रहा है एम आ रहा है, यानी कि प्लस का वन आ रहा है, माइनस का भी वन नहीं आ रहा है। आई होप क्लियर। तो बाद बाकी के में तो सॉरी प्लस थ्री माइनस टू ऐसा ही हो रहा है ना सब में, केवल सी को छोड़ के। आंसर इज सी। क्लियर है भाई यहां तक? अब इसके बाद वर्ड्स का क्लासिफिकेशन आता है, तो ध्यान रखना इसमें आपकी रीजनिंग के साथ साथ आपकी वोकेबलरी भी टेस्ट होगी और आपकी जनरल नॉलेज भी टेस्ट होगी। दिस सेक्शन टेस्ट जीके एज वेल एज योर इंग्लिश, क्योंकि जीके का भी टेस्ट होगा कि आप जानते हैं या नहीं। मान लिया चार शहर दे रखे हैं, इनमें से कौन सा राजधानी नहीं है, कौन सा कैपिटल नहीं है, ठीक है। और देखिए ऑप्शन ए है, फाइंड द ऑड वन अमंग द फॉलोइंग, मरकरी, मून, जुपिटर और सैटर्न। हाँ सभी प्लैनेट्स हैं मून को छोड़ के। मून क्या है? सैटेलाइट है। तो अगर ये बेसिक ज्ञान नहीं है आपको तो फिर से चीजें दिक्कत करने वाली हैं। ये क्या है? उपग्रह है। बाद बाकी के सब ग्रह हैं, इसीलिए मून क्या होगा? ऑड मैन आउट होगा। समझ में आ रहा है ना? तो आपकी जीके टेस्ट हुई है नहीं, और जीके में भी आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है वो चेक हुआ और रीजनिंग के माध्यम से चेक हुआ। और देखें वट इज द ऑड वन, क्या ऑड है इसमें? देखें ये क्या है, इसको रोज कह सकता हूं, इसके शब्द को अरेंज करके इसको क्या कह सकते हैं? लोटस, इसको ऑरेंज और इसको जैस्मिन। आप जानते हैं कि सारे के सारे क्या हैं? फूल हैं, लेकिन ऑरेंज क्या है? फल है। तो ऑड हमारा कौन सा है? सी। तो वर्ड क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया। इट विल नॉट ओनली टेस्ट योर रीजनिंग बट एज वेल एज इट विल टेस्ट योर जीके, समटाइम्स इट कैन ऑल्सो टेस्ट योर इंग्लिश।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स की भी पूछ सकता है। हो सकता है तीन खिलाड़ी दे दिए हो बैडमिंटन वाले सारे, और कोई फुटबॉलर दे दिया हो, तो यू नीड टू फाइंड आउट द ऑड वन फुटबॉलर को आपको निकालना है। नंबर क्लासिफिकेशन देखिए, ये तो पढ़ते ही आए हैं आप। सत्रह सत्ताईस सैंतीस सैतालीस आपको पता है कि सारे प्राइम नंबर्स हैं। ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। दिस इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब जिसमें किसी का भाग चला जाए। इसमें तीन का भी जा रहा है, नौ का भी जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर है, इनमें किसी का भाग नहीं जा रहा। और देखिए 441 289 361 343 आपको पता है बात, बाकी की सब स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये किसका क्यूब है, सात का। तो सारे स्क्वायर हैं डी को छोड़कर, आंसर इज डी। और देखिए वन जीरो वन वन, वन वन जीरो वन, वन 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 वन, वन जीरो 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 वन, क्यों? देखिए कंप्यूटर नहीं, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर जिस सिस्टम में काम करता है दैट इज कॉल्ड बाइनरी सिस्टम, ठीक है ना। बाइनरी का मतलब जीरो वन की कैलकुलेशन रहती है कंप्यूटर की, बाई का मतलब दो नाम की इस जगत में कोई चीज नहीं है कंप्यूटर की नजर में। और हम किस सिस्टम में काम करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में। डेसिमल नंबर सिस्टम में दस नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि हम जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अप टू नाइन इन डिजिट्स के साथ काम करते हैं। टेन दस कहना गलत है, क्योंकि नौ तक डिजिट होती है, उसके बाद क्या होता है डिजिट्स की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन। दस को क्या बोलेंगे, वन इज रिपीटेड जीरो टाइम्स। तेरह को तेरह कहना गलत होगा, क्या कहेगा, वन इज रिपीटेड थ्री टाइम्स, एक को तीन बार दोहराया गया है। दस तीन तेरह में एक दहाई तीन इकाई, सुने ना आपने, ऐसी गिनती सीखते हैं ना। तो दस नाम की चीज दुनिया में नहीं है। तो देखिए डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऐसे चलते हैं लेफ्ट साइड। तो इसमें वन इंटू दस की पावर जीरो, अगला वन है ये, तो वन इंटू दस की पावर एक प्लस जीरो इंटू दस की पावर दो प्लस एक इंटू दस की पावर तीन, ऐसे करते हैं नहीं, क्योंकि ये क्या है, बाइनरी है। इसमें हम क्या करेंगे, वन इंटू दो की पावर जीरो प्लस वन इंटू दो की पावर एक प्लस जीरो इंटू दो की पावर दो प्लस वन इंटू दो की पावर तीन। आठ हो गया, जीरो हो गया, दो हो गया, और ये एक हो गया। कितना इसका मतलब है क्या तुम्हारी भाषा में, ग्यारह। ऐसे ही ये तो एक हो जाएगा, ये जीरो, ये दो की पावर दो यानी कि चार, और दो की पावर तीन यानी कि आठ, चार बारह और एक तेरह। ये एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, ये चार हो जाएगा, ये आठ हो जाएगा, पंद्रह, ठीक है। इसको देखिए, ये हो जाएगा एक दो तीन चार पाँच है, तो यानी कि सत्रह हो जाएगा। अब आप जानते हैं सारे के सारे प्राइम नंबर हैं इसको छोड़ के, तो आंसर इज सी। ओके और डॉट, क्लियर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑड मैन आउट, ठीक है भाई। ये दोनों चैप्टर आज आपके खत्म होते हैं। जितना प्रैक्टिस रीजनिंग की कर सकें क्वेश्चंस का, उतना ढंग से लगाइए घर पे जाके। माय नेक्स्ट चैप्टर विल बी कोडिंग एंड डीकोडिंग, ठीक है भाई। ओके सी यू।